क्या आप अपने हाथ को इस तरीके से बाजू पर से ऊपर नहीं उठा पाते हो और कोई भी एक्टिविटी के लिए हाथ को ऐसे बाजू पर से ऊपर उठाते हो तो आपको शोल्डर के साइड पर सीवियर पेन होता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाने वाले जिनके जरिए आप ये सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस। जो हमारा सुप्रास्पाइनस मसल होता है वह शोल्डर की पीछे की साइड पर जो हमारी शोल्डर ब्लेड होती है इनके ऊपर यहां पर इस तरीके से ओब्लिक डायरेक्शन में एक उभरी हुई हड्डी होती है जिनको स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोला जाता है। इनके ऊपर से यह मसल निकलता है इसीलिए इनको सुप्रास्पाइनस मसल बोला जाता है। तो यहां पर से यह निकलकर शोल्डर के साइड पर यहां पर अटैच होता है। अगर आपकी रूटीन एक्टिविटी में हाथ को इस तरीके से बार बार ऊपर ले जाना होता है जैसे कि थ्रोइंग करना, बैडमिंटन खेलना या फिर आपको अपने हाथ को इस तरीके से बाजू पर लंबे समय के लिए रखना होता है जैसे कि कुकिंग करते वक्त या फिर रात को सोते वक्त आप अपने हाथ को इस तरीके से गर्दन के नीचे दबा के लेते हो तो यहां पर जो सुप्रास्पाइनस मसल का टेंडन होता है इनके ऊपर दबाव होता है, इनके फाइबर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, सूजन आती है, दर्द होता है, इनको सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस बोला जाता है। तो यहां पर शुरुआती स्टेज में हमें राइस फॉर्मूला फॉलो करना होता है यानी कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, हाथ को एलिवेटेड पोजिशन में रखना होता है। इनके बाद फिर जैसे इन्फ्लेमेशन आपका कम हो जाए तीन स्टेप की प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। स्टेप वन में मसल को रिलीज करना है, स्टेप टू में मसल को स्ट्रेच करना है, स्टेप थ्री में मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आगे हमने स्टेप वन आपको सिखा दिया, इस वीडियो में हम स्टेप टू यानी कि कैसे मसल को स्ट्रेच करना है वह सिखाने वाले। उसमें भी हम बेसिक लेवल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सीखने वाले। जैसे आपका पेन 70-80% कम हो जाए फिर आपको एडवांस लेवल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। तो यह बेसिक लेवल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दीनल। पहली एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से टेबल के सामने बैठ जाना है, फिर हमारे हाथ को टेबल के ऊपर ऐसे रख देना है, हाथ के नीचे हमें कोई कपड़ा रख देना है ताकि यहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। इनके बाद फिर हमें हाथ को एल्बो में से सीधा रखना है और फिर हमें बॉडी को आगे झुका कर हाथ को ऐसे आगे स्लाइड करना है, कपड़े को अच्छी तरीके से दबा के रखना है, फिर हाथ को एल्बो में से सीधा रख के पीछे आना है। इस तरीके से बॉडी को आगे ले जाइए फिर पीछे लाइए। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर में मूवमेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आगे पीछे हमें 10-15 टाइम्स करना है। इनके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज में हमें बॉडी को सीधा रखना है और फिर हमें एल्बो में से मूवमेंट करनी है। एल्बो में से इस तरीके से हाथ को सीधा करना है, फिर हाथ को इस तरीके से बेंड करना है, कपड़े को अच्छी तरीके से दबा के रखना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर एल्बो में से मूवमेंट करनी है 10-15 टाइम्स आपको करना है। यहाँ पर सभी एक्सरसाइज में आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है कि आपको पेन फ्री रेंज में एक्सरसाइज करनी है और कोई एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो वह एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है, फोर्सफुल नहीं करनी है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज में हमें हाथ को एल्बो में से सीधा रखना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से साइड टू साइड कपड़े को ले जाना है, हाथ को स्लाइड करना है, अच्छी तरीके से कपड़े को दबा के रखना है। तो इस तरीके से हमें 10-15 टाइम्स करना है। तो यह हो गई तीसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की फोर्थ एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से एल्बो में से हाथ को बेंड कर देना है और हमारा जो फोरआर्म है इनको हमारे बॉडी के पैरेलल लेना है, फिर हमें इस तरीके से हाथ को बॉडी के पैरेलल स्लाइड करना है, बॉडी को सीधा ही रखना है, सिर्फ आपके हाथ को इस तरीके से शोल्डर में से अंदर बार लेना है। तो यह हो गई हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, 10-15 रिपीट्स आपको करना है। इनके बाद की फिफ्थ एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन हमें करना है। तो यहाँ पर हाथ की पोजिशन हमें यही रखनी है, एल्बो को एग्जैक्ट शोल्डर के सामने रखना है, हाथ हमारा बॉडी के पैरेलल रहेगा, फिर हमें कपड़े को दबा के इस तरीके से हाथ को घुमाना है। यहाँ पर जो हमारा एल्बो है इनको अच्छी तरीके से दबा के रखना है, वह आपका मुंह नहीं होना चाहिए, तो इसे जितना हो सके उतना बाहर लाइए, फिर वापस इनको घुमा के अंदर लाना है। तो इस तरीके से आपको इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन 10-15 टाइम्स दोनों साइड मिलाकर करना है। तो यह पांच एक्सरसाइज हमें इस तरीके से बैठ के करनी है। जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हमें एल्बो को सीधा रखना है और हाथ को सामने
स्लाइड करना है। दूसरी एक्सरसाइज में हमें बॉडी को सीधा रखना है, एल्बो में से हाथ को इस तरीके से सीधा करना है, बेंड करना है। तीसरी एक्सरसाइज में हमें एल्बो को इस तरीके से सीधा कर देना है और फिर साइड टू साइड हाथ को ले जाना है। चौथी एक्सरसाइज में हमें एल्बो में से हाथ को बेंड कर देना है, हाथ को बॉडी के पैरेलल रखना है, फिर हाथ को ऐसे साइड टू साइड मूव करना है। पांचवी एक्सरसाइज में हमें इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन इस तरीके से करना है। इनके बाद की सभी एक्सरसाइज हमें इस तरीके से लेट के करनी है और यहाँ पर इस तरीके का स्टिक का इस्तेमाल करना है। तो स्टिक को हमें ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लेना है, फिर हमें स्टिक को ऐसे ऊपर उठाना है। यहाँ पर स्टिक आपके शोल्डर के ऊपर आनी चाहिए, इस तरीके से उठाना है, फिर नीचे लाना है, एल्बो को नीचे रख देना है। इस तरीके से आपको ऊपर नीचे 10-15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद हमें स्टिक को ऐसे ऊपर उठा लेना है, फिर हमें स्टिक को पीछे ले जाना है। जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है, पेन नहीं हो रहा है, वहाँ तक ले जाइए, फिर वापस से उनको बॉडी के ऊपर लाना है, फिर पीछे ले जाइए। इस तरीके से आपको 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज में हमें स्टिक को इसी तरीके से पकड़ के रखना है और फिर हमें एडक्शन और एबडक्शन करना है। स्टिक को साइड टू साइड ले जाना है। शुरुआत में आप कम रेंज में ले जा सकते हो, फिर आपको हाथ को पूरा इस तरीके से नीचे ले जाना है। यहाँ पर यह वाला हाथ आपका पूरा नीचे आ जाएगा, इस साइड आते हो तो यह वाला हाथ आपका पूरा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों साइड पर 10-10 बार या तो 15-15 बार आपको करना है। इनके बाद की फोर्थ एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से स्टिक को दोनों एंड पर ऐसे पकड़ लेना है, एल्बो को बॉडी के नज़दीक रख देना है, फिर हमें इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन करना है। तो इस तरीके से स्टिक को दबाना है और हाथ को जितना हो सके उतना नीचे ले जाना है, फिर वह वाले हाथ को दबा के यह हाथ को इस तरीके से नीचे ले जाना है। तो ऐसे बारी बारी दोनों साइड पर हमें 10 से 15 रिपीटेशन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर लेट के हमें चार एक्सरसाइज करनी है। पहले हमें स्टिक को पकड़ के ऊपर नीचे करना है, फिर हमें स्टिक को पीछे ले जाना है, इनके बाद फिर हमें साइड टू साइड स्टिक को इस तरीके से ले जाना है, फिर हमें इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनके जरिए आप यह सुप्रास्पिनेटल टेंडिनाइटिस का इलाज घर पर ही कर सकते हो और आप शोल्डर पेन से रिलीफ लेके हाथ को इस तरीके से आसानी से ऊपर उठाना शुरू कर पाओगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।